ऑलराइट फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इन लेबर वेरियंस, इन लेबर वेरियंस। ये मैंने आपको लिख के भी दिया है, अगर आप मेरा सॉल्यूशन बुक देखेंगे तो पेज नंबर 11.21 सॉल्यूशन बुक पे आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इन लेबर वेरियंस, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इन लेबर वेरियंस। देखो दो तरह के फ्रेंड्स कॉस्टिंग में, ये कॉस्टिंग है आपका, एंड कॉस्टिंग में दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है अनकंट्रोलेबल लॉस, एक आपका रहता है अनकंट्रोलेबल लॉस, और एक आपका रहेगा फ्रेंड्स कंट्रोलेबल लॉस। अगर अनकंट्रोलेबल है तो आपको चार्ज करना पड़ेगा फ्रॉम कस्टमर, चार्ज टू कस्टमर, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं चार्ज टू कस्टमर, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस, ओके। और कंट्रोलेबल रहेगा तो डू चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, दिस इज योर चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, और इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। आपका एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इन लेबर वेरियंस। कॉस्टिंग में उसका क्या ट्रीटमेंट है, अगर अनकंट्रोलेबल है तो चार्ज टू कस्टमर एज ए नॉर्मल लॉस, और अगर कंट्रोलेबल है तो चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, उसको हम क्या बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। अब देखो मैं आपको बताता हूँ मेरे से स्टार्टिंग में क्या मिस्टेक हुआ था, बराबर। हम लोग एज ए कॉस्ट कंसल्टेंट जब हम लोग बने थे नए नए, तो हम लोग ने तो सीए किया था, सीए करने के बाद कंसल्टेंसी में चले गए, अनुभव नहीं था कुछ, कॉस्टिंग का अनुभव नहीं था। मतलब यही बात मुझे रह रहे के ये आ रहा कि इंस्टीट्यूट ये क्या सोच रहा है यार, इंस्टीट्यूट क्या सोच रहा है, एस सी एम पी मीन्स कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट को अगर इन्होंने मेन करिकुलम से हटा के अगर दूसरी जगह डाल दिया है तो क्या कैसे क्या सोचा था इन्होंने करके, बिना कॉस्टिंग के तो ये पॉसिबल ही नहीं है ये कोर्स। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने बायोडाटा पर लिखना कि आपने एस सी एम पी पढ़ा है, जब आप फाइनल सीए पास हो जाओ सीए बन जाओ अपने बायोडाटा में लिखना, एक्स्ट्रा उसमें करके नोट करके हाईलाइट करना कि आपने दानी की कॉस्टिंग पढ़ी हुई है, आपने एस सी एम पी पढ़ा हुआ है। जैसे सपोज मैंने एक बार क्या मिस्टेक किया था वो आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, और ऐसा कभी भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा। देखो मेरे साथ आपको क्या बेनिफिट है कि भाई आई एम डे टू डे कंसल्टेंसी ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ दैट कॉस्टिंग, प्लस मैंने सी ए पास किया है, तो एकेडमिक नॉलेज भी है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, मतलब डे टू डे जो काम बात होती है वो भी मुझे मालूम है, और अपने को ये भी पता है कि भाई प्रैक्टिकल में ये कैसे होता है। तो मेरे से क्या मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक कस्टमर आया और मेरे क्लाइंट को बोला कि वी वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एस वन, कितना खरीदना चाहता है, इट मीन्स 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एस वन, कैन यू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। तो वो एज ए कंसल्टेंट वो क्लाइंट ने मेरे को बोला सर आप जरा बताओ ना इसका कॉस्ट शीट कैसे बनेगा, मैं उसको कैसे बताऊं कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने क्या बनाया, मैंने बना दिया कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट बना दिया, कॉस्ट शीट में मैंने डिवाइड किया डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में योर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा कि भाई एक यूनिट को बनाने में कितना केजी मटेरियल लगेगा, उसने बोला सर 1000 यूनिट्स और एक यूनिट को बनाने में 10 केजी मटेरियल लगेगा, इट मीन्स आपको 10000 केजी मटेरियल लगेगा, इट मीन्स 10000 केजी मटेरियल लिया एट द रेट ऑफ 10 लिया, इट मीन्स मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया से ₹1,00,000, ये मेरा क्या हो गया मटेरियल का कॉस्ट। अब लेबर के कॉस्ट में मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को पूछा, बोले 1000 यूनिट्स को बनाने में कितना टाइम लगेगा, बोले सब एक यूनिट अगर आप बनाते हो तो आपको 7.5 आवर्स लगेंगे, इट मीन 7500 आवर्स आपको लगेंगे, 7500 आवर्स, एक आवर का रेट है ₹10, इट मीन दिस कम्स टू 75,000। अब आपको पता चल रहा है क्या मिस्टेक हो रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि एक यूनिट को बनाने में 7.5 आवर्स लगेंगे, और ध्यान से सुनिए आप,
प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा, प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो एक यूनिट को बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे 7.5 आवर्स लगेगी, मुझे कितना टाइम लगेगा, 7.5 आवर्स, इट मींस टोटल 7,500 आवर्स, ये उसने बोला 7.5। अब आपको यहां पे समझना, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा अगर वर्कर 7.5 आवर्स काम करेगा बराबर, तो हाफ एन आवर मुझे क्या देना पड़ेगा उसको, लंच टाइम 0.5 आवर्स, इट मींस टोटल टाइम क्या हो गया 8 आवर्स। दिस लॉस इज ए टोटली अनकंट्रोलेबल लॉस, ये आपका जो लॉस है वो क्या हो गया, टोटली अनकंट्रोलेबल लॉस, ये आपका जो लॉस है वो आपका क्या है, इज ए अनकंट्रोलेबल लॉस, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका टोटली है अनकंट्रोलेबल लॉस, अनकंट्रोलेबल लॉस। इसका मतलब ये लॉस किसको पे करना पड़ेगा, कस्टमर को पे करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जब एक्चुअल में प्रोडक्शन होगा तो आपको आर्स कितने लग जाएंगे 8,000, जबकि आपने कस्टमर से कितने रिकवर किए, ओनली 7,500। तो ये लॉस आपका क्या हो गया, अनकंट्रोल। इसका मतलब जब आपने कॉस्ट शीट बनाया है तो इंस्टेड ऑफ 7.5 आपको यहां पे टाइम क्या लेना पड़ेगा 8 आवर्स, इंस्टेड ऑफ 7.5 आपको टाइम क्या लेना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ 7.5 आपको टाइम लेना पड़ेगा 8 आवर्स, बिकॉज दिस इज ए टोटली अनकंट्रोलेबल लॉस। ये जो लॉस है आपका वो कौन सा लॉस है, ये जो लॉस है आपका वो लॉस है आपका अनकंट्रोलेबल लॉस। ओके, व्हेन, तो इसका मतलब अगर ये अनकंट्रोलेबल लॉस है, इसका मतलब 7.5 की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा 8 आवर्स, आपको कॉस्ट शीट जब आप बनाओगे तो 7.5 की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा 8 आवर्स, 7.5 की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा 8 आवर्स, 7.5 की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा 8 आवर्स, बिकॉज दिस इज ए अनकंट्रोलेबल लॉस। बट इफ योर वर्कर इज रेडी टू वर्क, आपका मटेरियल खत्म हो जाता है, मटेरियल नहीं है, मशीन में ब्रेक डाउन आ जाता है, मशीन में ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रिसिटी गॉन है, और अगर आपका वर्कर खाली बैठा है और आपने पेमेंट किया है, तो दैट लॉस इज योर ओन मिस्टेक। सो वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कैन रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, और इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इट मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे अपन, यू कैनॉट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, आपको कहां चार्ज करना पड़ेगा, इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कैन रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, और इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव इन द मार्केट, वाई, बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आर यू फॉलोइंग मी नॉट, आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि ये आपका जो लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, दैट इज ए एबनॉर्मल लॉस एंड चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। आप उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, जस्ट यू रिफर फ्रेंड्स योर क्वेश्चन नंबर 9 एंड पेज नंबर 11.21, क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 11.21, द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ ए फॉर्म आर एज अंडर, द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ ए फॉर्म आर एज अंडर, स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इज 1,000, स्टैंडर्ड रेट पर आर इज 0.5, एक्चुअल टाइम पेड 1,200, एक्चुअल वेजेस पेड 360, कंप्यूट द वेरियंस इफ एबनॉर्मल आइडियल टाइम इज 100। इसका मतलब एबनॉर्मल मतलब क्या हो गया, योर ओन मिस्टेक, चार्ज टू कॉस्टिंग पे, ये खुद की मिस्टेक है और ये मिस्टेक हमारे हाथ में नहीं है करके, राइट, एबनॉर्मल आइडियल टाइम, राइट, कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इट मीन्स दिस इज योर स्टेप नंबर 1, लेबर वेरियंस स्टैंडर्ड एक्चुअल आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट अमाउंट,
व्हाट आर द आवर्स इट मींस स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इज 1000 दिस इज गिवन स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज 0.5 इट मींस टोटल आपका क्या हो जाएगा 500 एक्चुअल टाइम पेड 1200 एंड एक्चुअल अमाउंट पेड 360 इट मींस 360 डिवाइडेड बाई 1200 इज 0.3 फर्स्ट दिस इज योर लेबर कॉस्ट वेरियंस क्या कॉस्ट आपने सोचा था 500 क्या कॉस्ट आ रहा है 360 कितने का प्रॉफिट हो गया 140 फेवरेबल सही है सुनो आपका क्या हो जाएगा 140 फेवरेबल आराम से वन बाय वन आप चीज को समझ लीजिए दिस इज योर टेबुलर फॉर्म लेबर वेरियंस क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 11.21 स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आवर्स रेट अमाउंट दिस इज योर आवर्स रेट एंड अमाउंट अपने को 1000 आवर्स अपने को गिवन है राइट देन 0.5 के हिसाब से 500 रुपीज एक्चुअल आवर्स 1200 एक्चुअल कॉस्ट 360.3 लेबर कॉस्ट वेरियंस 500 360 एंड 140 फेवरेबल इसके दो पार्ट नॉर्मली इसके दो पार्ट होते थे एक अपन बोलते थे लेबर एफिशिएंसी वेरियंस ओके एक अपन बोलते थे लेबर रेट वेरियंस ओके और एक आपका और एक्स्ट्रा हो जाएगा इसको बोलेंगे लेबर आइडियल टाइम वेरियंस लेबर आइडियल टाइम वेरियंस लेबर एफिशिएंसी वेरियंस इट मींस 1000 ओके अब आउट ऑफ दिस 1200 100 इज ए एबनॉर्मल आइडियल टाइम 100 इज ए एबनॉर्मल आइडियल टाइम बाकी का 1100 है वो आपका क्या हो जाएगा एक्चुअली वर्कड आर्स एक्चुअली वर्कड ओके अब प्रोडक्शन मैनेजर को बोलोगे बॉस आपने तो 1000 आर्स का बोला और आपने 1200 आर्स ले लिया विल ही एग्री आंसर इज नो क्यों वो बोलेगा नहीं भाई 1000 मैंने बोला था करेक्ट लेकिन मेरे वर्कर ने एक्चुअली काम कितना किया है 1100 फॉर 100 आवर्स फॉर 100 आवर्स ही वॉज रेडी टू वर्क फॉर 100 आवर्स वो काम करने को तैयार था फॉर 100 आवर्स ही वॉज रेडी टू वर्क बट देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी हाउ कैन यू ब्लेम टू माई वर्कर इसका मतलब आपको लेने पड़ेंगे आवर्स एक्चुअली वर्कड एक्चुअली वर्क दिस इट मींस 1000 की जगह उसने कितने आवर्स लिए 1100 और वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट एंड 50 एडवर्स लेबर आइडल टाइम व्हाट इज द आइडल टाइम इज ए 100 रेट पर आवर इज 0.5 एंड दिस कम्स टू 50 एडवर्स व्हाट इज द रेट रेट इज 0.5 लेकिन एक्चुअल रेट इज 0.3 इनटू 1200 एंड दिस कम्स टू 240 फेवरेबल रेट आपने क्या बोला था 0.5 क्या रेट ले लिया आपने 0.3 इनटू आवर्स पेड एंड 240 फेवरेबल अगर आपको फॉर्मूला में करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड हो गया काम क्योंकि यहाँ पे सिंगल था इसके लिए वो मिक्स और सब एफिशिएंसी नहीं है नहीं तो वो भी आ सकता है एक एक पॉइंट को आप देख लीजिए लेबर एफिशिएंसी क्या आर्स आपने बोले थे क्या उसने एक्चुअली वर्कड किया नॉट पे फॉर 100 आवर्स के लिए वर्कर वॉज रेडी टू वर्क फॉर 100 आवर्स के लिए योर वर्कर वॉज रेडी टू वर्क फॉर 100 आवर्स के लिए योर वर्कर वॉज रेडी टू वर्क वॉज नॉट इलेक्ट्रिसिटी इन टू स्टैंडर्ड रेट आइडल टाइम दिस एंड दिस बोलो यस अब आपको मैं इसमें वो भी करवा देता हूं करके ना एक एक चीज लेके बोलो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं परफेक्टली क्लियर बोलो
नो कन्फ्यूजन। अब आप देखिए, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 11.22। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 11.22। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 11.22। जोवन पुत्रा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ स्किल्ड मैन, 3 आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड मैन एंड 5 आवर्स ऑफ अनस्किल्ड मैन पर यूनिट एट द रेट ऑफ 5, 3 एंड 2 पर आवर। ड्यूरिंग अक्टूबर 2005 द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिपोर्टेड ए आउटपुट ऑफ 5,000 यूनिट्स। द लेबर कॉस्ट इनकर्ड वॉज डिटेल्ड बिलो। लेबर आवर्स रेट द टोटल आवर्स पेड इंक्लूडेड 1140 आवर्स ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन आउट ऑफ विच 420 परटेन टू द स्किल्ड मैन, 520 सेमी स्किल्ड मैन एंड रिमेनिंग फॉर अनस्किल्ड। कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट वेरियंस। नंबर 2, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द ब्रेकअप ऑफ 1140 आइडल आवर्स इज नॉट गिवन। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा मेरा ये पॉइंट ध्यान रखना, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। योर मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर नोट नंबर 1 स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्किल सेमी स्किल एंड अनस्किल। फाइव थाउजेंड यूनिट्स। एक को बनाने में कितना लगता है, 2 आवर्स 3 आवर्स एंड 5 आवर्स, एंड दिस इज पर यूनिट। आपको टोटल आवर्स लगेंगे, इट मींस टोटल आवर्स विल बी 10,000, टोटल आवर्स विल बी 15,000, टोटल आवर्स विल बी 25,000। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्किल सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड। अगर एक यूनिट बनाएंगे तो 2 आवर्स स्किल्ड के लगेंगे, 3 आवर्स सेमी स्किल्ड, 5 आवर्स अनस्किल्ड। तो 5,000 को बनाने में 10, 15 एंड 25। सही है सुनो, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 11.2। देन यू गो टू दिस इज योर स्टेप नंबर 1 is tabular form, it means labor variance based on actual output of 5,000 units. Standard Actual Hours Rate Amount Skill Semi Skill Unskilled। कितने आवर्स हैं फ्रेंड्स,
10,000, 15 and 25, 15, 25. What is your rate? 5, 3 and 2. And actual hours, 11,500, 17,500, 28,000. 10 plus 15 plus 25, 50,000. 50,000, 45, 50, 145. Actual is 6.4, 2.8, 1.5. 11,500, 17,500, 28,000 is 57. 11,500 into 6.4, 73,600, 17,500 into 2.8 is 49,000, 28,000 into 1.5 is 42, 73.6, 49, 42, 164 and 600. सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपने क्या सोचा था एक यूनिट को बनाने में, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, तो 5000 को बनाने में 10, 15, 25, 10, 15, 25 उसका रेट रहेगा, 5, 3 एंड 2 टोटल आपका ये आ जाएगा टोटल 140. लेकिन जब एक्चुअली काम किया तो आवर्स 11,500, 17,500, 20 एक्चुअल रेट आपका ये हो गया और एक्चुअल कॉस्ट आपका ये हो गया. सही है सुनो, एंड दिस इज योर लेबर वेरिएंस. नाउ आउट ऑफ दिस आपका 57,500 में से आपका एक्चुअल में 1140 आवर्स आपका क्या है, एबनॉर्मल आइडल टाइम. तो एक्चुअली जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है आपका, वो अपन को निकालना पड़ेगा करके ना, एक्चुअली कितना वर्क हुआ है वो आपको निकालना पड़ेगा. आपका जो एक्चुअली वर्क हुआ है इट मीन्स उसको निकालना पड़ेगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स. अब आप देखो, दिस इज योर एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स लेस आइडियल आवर्स इक्वल टू एक्चुअली वर्कड. एक्चुअल आवर्स लेस आइडल टाइम, राइट, तो आपका एक्चुअली वर्कड आएगा. ठीक है, अब देखो, स्किल सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड टोटल पेड, कितना पे किया है आपने, इट मीन्स 11,500, 17,500, 28,000, 11,500, 17,500, 28,000, 57, less abnormal आइडियल. लेस एबनॉर्मल आइडियल कितना बोल रहे हैं, इट मीन्स टोटल 1140, टोटल 1140 आवर्स, उसमें से 420 और दिस, 520 और दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. इट मीन्स 1140, 420, 520 is 200.
दिस इज योर एक्चुअली वर्क्ड, 11,500 माइनस 420 इज 11,080, 17,500 माइनस 520 इज 16,980, 28,000 माइनस 200 इज 27,800, 11,080 प्लस 16,980, 27,800 इज 55,860, 55,860, सही है सर? नो, इट्स 55,860, परफेक्टली क्लियर हो नॉट? बोलो यस और नो। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? 1180, देन 16,980, 27,800, सही आंसर हो, परफेक्ट। टोटल आपका ये हो गया। अब अपने को जब एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो अपने को ये कंसीडर करना है, नॉट ये, क्योंकि ये तो एबनॉर्मल है। व्हेन द वर्कर इज रेडी टू वर्क 420, 520, 200, इट मीन्स वर्कर इज रेडी टू वर्क बट देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। वर्कर इज रेडी टू वर्क बट देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, वॉट टू डू? क्या करेंगे अपन? सही है सुनो, आपको ये कंसिडर करना है, प्रोडक्शन मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, प्रोडक्शन मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पहला आप आ जाइए, अब आप देखिए लेबर कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट आपने सोचा था 1/1 करके आप ले लीजिए, क्या कॉस्ट आपने सोचा था 145, क्या कॉस्ट आपने सोचा था 145, क्या कॉस्ट आ रहा है 164,600। फर्स्ट लेबर कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट आपने सोचा था 1,45,000 और क्या कॉस्ट आ रहा है 164,600, 164,600, 145 less 164,600 is 19,600 advance, 19,600 आपका क्या हो जाएगा, इज ए एडवर्स वेरियंस। डिवाइड लेबर एफिशिएंसी वेरियंस लेबर आइडियल टाइम वेरियंस लेबर रेट वेरियंस। लेबर इट मीन्स स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल, स्किल। कितने आर्स हम लोगों ने सोचे थे, कितने आर्स हम लोगों ने सोचे थे 10,000, एक्चुअल में कितने लग गए 11,500, कितने सोचे थे 15, एक्चुअल में लगे 17,500, 25, 28, लेकिन वी कैन नॉट टेक दिस। ये आपने क्या किया है, आर्स पेड किए, अपन को कौन से लेने पड़ेंगे एक्चुअल आर्स 11,16,980 एंड 27,800, 11,080 ये लेना पड़ेगा, 16,980 ये लेना पड़ेगा एंड 27,800 ये लेना पड़ेगा, सही है सुनो? अब आप आ जाइए, इट मीन्स 10,000 आर्स आपने सोचे थे, 15,000 आवर्स आपने सोचे थे एंड 25,000 आवर्स आपने सोचे, लेकिन आपको एक्चुअल आवर्स कितने लगे बोलो, 11,080, 16,980, 11,080, 16,980, 27,800, 16,980 and 27,800,
ओके व्हाट इज द रेट पर आर, तो रेट पर आर इज 5, 3 and 2. Whenever there is a quantity part multiply by standard rate, it means 11080 लगे, हमने सोचा था 10,000 into 5, loss हो गया 5,400, सोचा था 15,000 लगा 16980 into 3, कितने का loss हो गया 5,940, this is adverse, this is adverse. Then 25,000 less 27,800 into 2, 5,600 adverse. It means 5,400 adverse, 5,940 adverse, 5,600 adverse, 16,940 adverse. सही है, सुनो, क्या आर्स आपने सोचा था 10,000, क्या आर्स आपने एक्चुअली वर्कड किया, नॉट पेड, पेड इंक्लूड्स एबनॉर्मल एडल टाइम आल्सो, पेड इंक्लूड्स एबनॉर्मल एडल टाइम आल्सो, 15 एक्चुअल में ये, 25 एक्चुअल में ये आ गया, सही है, सुनो, परफेक्टली क्लियर हो, प्रॉपर. अब एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम इज 420, 520 and 200, 420, 520 and 200 into what is the rate per hour, 5, 3 and 2. Whenever there is a quantity part multiply by standard rate, whenever there is a rate part multiply by actual quantity. 420 into 5, 2100, 520 into 3, 1560, 200 into 2, 400 adverse. It means 2100, 1560, 400 is 4060 adverse. क्या हो जाएगा बोलो, 4060 adverse. It means abnormal added time, abnormal added time multiply by standard rate. Abnormal added time multiply by standard rate. Abnormal added time multiply by स्टैंडर्ड रेट, मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट. फाइनली आपका आएगा रेट वेरियंस, क्या रेट आपने सोचा था 5, 3 and 2, क्या रेट सोचा था 5, 3 and 2, जबकि आपका एक्चुअल रेट क्या आ रहा है 6.4, 2.8, 1.5 into actual hours paid 11,500, 17,500 and 28,000. It means 5 minus 6.4 into 11,500 is 16,100 adverse. 3 minus 2.8 into 17,500 is 3,500 favorable. 2 minus 1.5 into 28,000 is 14,000 favorable. 16,100, 14,000
26। सही है सुनो, इट मींस 1600 एडवर्स माइनस 3500 फेवरेबल माइनस 14000 फेवरेबल 1400 फेवरेबल। सो 1400 फेवरेबल प्लस माइनस 4060 माइनस 16940 आपका 19600, ये आपका टैली हो जाएगा। सही है सुनो, ये तीनों का जो टोटल है, ये तीनों का जो टोटल है वो आपका कहाँ पे टैली हो जाएगा, यहाँ पे टैली हो जाएगा। ये तीनों का जो टोटल है वो यहाँ पे आपका टैली हो जाएगा। सही है सुनो, ये तीनों का जो आपका टोटल है वो आपका यहाँ पे टैली हो जाएगा। सही है सुनो, अब लेबर एफिशिएंसी जो वेरियंस है, लेबर एफिशिएंसी जो वेरियंस है इसके दो पार्ट हो जाएंगे, सब एफिशिएंसी और मिक्स और गैंग वेरियंस। आराम से एक एक पॉइंट को आप समझ लीजिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। लेबर कॉस्ट क्या सोचा था, क्या हुआ, लेबर एफिशिएंसी, लेबर आइडल टाइम एंड लेबर रेट। सही है सुनो, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब लेबर एफिशिएंसी है 16940, उसके दो पार्ट हो जाएंगे, सब एफिशिएंसी और मिक्स और गैंग भी बोलते हैं इसको ना, तो दिस इज योर लेबर एफिशिएंसी वेरियंस। Divide into labor sub efficiency variance और labor mix, या फिर इसको gang भी बोलते हैं, gang variance, लेबर मिक्स और लेबर सब एफिशिएंसी। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये हमेशा इनपुट रहता है, इनपुट। इनपुट का मतलब क्या हुआ, इन टर्म्स ऑफ आर्स, बराबर। क्या आपने टोटल आर्स सोचे थे, क्या आपने टोटल आर्स सोचे थे इज 50,000, बट एक्चुअली वर्कड हुए हैं ओनली 55,860। और उसके सामने एक्चुअली वर्कड हुए हैं 55,860। ओके, व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आपका कितना आएगा, इट मींस 145 इज द कॉस्ट फॉर 50,000 आवर्स। 145 इज द कॉस्ट ऑफ 50,000 आवर्स। पर आर का क्या हो जाएगा, इट मींस 1,45,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 5860 16,994 एडवर्स। सही है सर, इसी का एक रहता है योर लेबर यील्ड वेरियंस। इसी का एक रहेगा आपका लेबर यील्ड वेरियंस। ये हमेशा क्या रहेगा, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। ये हमेशा क्या रहेगा, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। अगर आपका आउटपुट
5000 है, तो आर्स आपको लग रहे थे, अगर आपका आउटपुट 5000 है तो 50000, या 50000 आर से यू कैन टेक लाइक दिस ऑल्सो. इट मीन्स इफ आर्स 50000 है तो आपको आउटपुट कितना मिल रहा था, आपको आउटपुट मिल रहा था 5000. 50000 से आपको आउटपुट 5000. तो अगर आपने 55860 आर्स डाले, आपने एक्चुअली वर्क किया है ना 55860, कितना वर्क किया है 55860, तो आपको यूनिट्स आने चाहिए 5586. तो 5586 के सामने आपको आउटपुट है ओनली 5000. 145 आपका कॉस्ट है 5000 यूनिट्स का, तो पर यूनिट का कॉस्ट इट मीन सेम जैसे यील्ड में किया था ना मटेरियल यील्ड वेरियंस, ऐसा ही है. इट मीन्स 145 डिवाइडेड बाय 5000 इनटू 586 एंड दिस कम्स टू 16994 एडवर्स. आपको क्या मिलेगा 16994 एडवर्स. सही है. अगर आपको फॉर्मूला लिखना है इट मींस ये आपका स्टैंडर्ड आर्स टोटल माइनस टोटल एक्चुअल आर्स इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट. ओके देन दिस इज योर स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस योर एक्चुअल आर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट, एवरेज स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड एवरेज रेट ऑफ आउटपुट. सही है. सुनो स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 50000 से आउट. ओके या आप ऐसा भी लिख सकते हो दिस इज योर पे आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल आर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल आर्स माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट. स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल आर्स माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट. अब आप आ जाइए लेबर मिक्स. इट मीन्स लेबर मिक्स, लेबर मिक्स इज स्किल्ड, सेमी स्किल एंड अनस्किल्ड, स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. आपके पास स्टैंडर्ड आर्स क्या थे, स्टैंडर्ड आर्स इज 10, 15, and 25 divided by 50000 are similar to material only 50000, but actual hours worked is 55860, 55860 and 55860. 10000 divided by 50000 into 55860, 11172. 15000 divided by 50000 into 55860, 7580, 11080, 6980. Actual hours worked is
इलेवन जीरो एटी सिक्सटीन नाइन एटी एंड ट्वेंटी सेवन एट हंड्रेड. वॉट इज द स्टैंडर्ड रेट? स्टैंडर्ड रेट इज फाइव थ्री एंड टू, फाइव थ्री एंड टू. इट मीन्स इलेवन वन सेवेंटी टू, इलेवन वन सेवेंटी टू माइनस इलेवन जीरो एट जीरो इंटू फाइव इज फोर सिक्सटी. फेवरेबल. देन सिक्सटीन सेवन फिफ्टी एट माइनस सिक्सटीन नाइन एट जीरो इंटू थ्री सिक्स 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 एडवर्स ट्वेंटी सेवन नाइन थ्री जीरो माइनस ट्वेंटी सेवन एट हंड्रेड इंटू टू टू सिक्सटी. फेवरेबल. फोर सिक्सटी टू सिक्सटी लेस सिक्स 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 इज फिफ्टी फोर. फेवरेबल. लेबर मिक्स वेरियंस. दिस इज योर कंप्लीट सम. इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता है करके ना. दिस योर कंप्लीट सम करके ना. इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा. एक एक चीज को आप आराम से और भी मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं. इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा. प्लीज पे अटेंशन. आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए. ओके अब आप आ जाइए वन बाय वन, क्योंकि सेकंड पार्ट भी अपन को दे रखा है कैसे अपन करेंगे वो जरा आप देख लीजिए. अब ये क्या बोल रहा है? व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द ब्रेकअप ऑफ 1140 आइडल आवर्स इज नॉट गिवन. सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द ब्रेकअप ऑफ 1140 आइडल आवर्स इज नॉट गिवन. ये मैंने सॉल्यूशन बुक में प्रिंट नहीं किया, आप यहीं पर देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा ही एडजस्टमेंट करके सिखाना है आपको करके. व्हाट वुड बी योर आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द ब्रेकअप ऑफ 1140 आवर्स इज नॉट गिवन. व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द ब्रेकअप ऑफ 1140 आवर्स इज नॉट गिवन. तो 1140 आवर्स पहली बात ये किस में जाएंगे आप मुझे कमेंट करके बताइए किस रेशियो में जाएंगे. अगर 1140 का ब्रेकअप नहीं है तो किस में से कितना रहेगा, स्टैंडर्ड के रेशियो में जाएगा कि एक्चुअल के रेशियो में जाएगा आप मुझे बताइए. स्टैंडर्ड के रेशो में जाएगा कि एक्चुअल के रेशो में जाएगा बताइए आप मुझे. स्टैंडर्ड के रेशो में जाएगा कि एक्चुअल के रेशो में जाएगा. आंसर इज एक्चुअल के रेशो में जाएगा. इट्स एक्चुअली हैपनिंग. ये आपका क्या हो रहा है? एक्चुअल में ऐसा हो रहा है. इट्स एक्चुअली हैपनिंग. स्टैंडर्ड में कैसे? अगर मेरे को मालूम है कि कल लाइट नहीं रहने वाला है तो मैं थोड़ी ना लेक्चर रखूंगा. अगर मुझे मालूम है कि कल लाइट नहीं रहने वाला है तो मैं थोड़ी लेक्चर रखूंगा करके. अगर मुझे मालूम है कल लाइट नहीं रहने वाला तो लाइक तो स्टैंडर्ड के रेशो में नहीं, किसके रेशो में जाएगा? इन द रेशो ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड में जाएगा. किस रेशो में जाएगा बोलो? इन द रेशो ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड. ओके तो देखो जरा आपका ये पार्ट सेम रहेगा. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ये आपका सेम रहेगा पार्ट बी के लिए. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए ये आपका सेम रहेगा, ये भी आपका सेम रहेगा बराबर. खाली आपका ये चेंज हो जाएगा. इट मीन्स आपने पे इतना किया लेकिन ये वाला पार्ट आपका चेंज हो जाएगा. 1140 आपका ये चेंज हो जाएगा. 1140 को आपको किस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा? इन द रेशियो ऑफ दिस एक्चुअल आवर स्पीड. इट मीन्स योर आपको किस रेशियो में पे करना पड़ेगा? आपको ये रेशियो में पे करना पड़ेगा. आपका अगर 1140 आवर्स है तो आपको ये रेशियो में पे बराबर. इट मींस 1140 डिवाइडेड बाय 57,000 इनटू 11,500 230 आवर्स. इन द रेशियो ऑफ 11,500 इज टू
17500 इज टू 28000, 11500 माइनस 230, 11270, 1140 डिवाइडेड बाय 57000 इनटू 17500 इज 350, 1140 डिवाइडेड बाय 57000 इनटू 28000 इज 560, इट मींस 230, 350, 1140, 57000 माइनस 55860, बोलो यस और नो फ्रेंड्स। देन 17500 माइनस 350, 17150, 28000 माइनस 560, 27440, 11270, 17150, 27440, 55860। दिस इज आपके क्या हो जाएंगे, आर्स एक्चुअली वर्कड आपके, तो इनसे अपन कंपेयर करेंगे, आर्स एक्चुअली वर्कड। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड, ठीक है। इसको अपन यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ आइडल आवर्स, आइडल आवर्स। ये आपके एक्चुअल आवर्स क्या हुए हैं, ये आपके एक्चुअल आवर्स क्या हुए हैं, ये आपके एक्चुअल आवर्स क्या हुए, पेड में से माइनस करके ये वर्कड हुए, ये आपके क्या हुए, एक्चुअल आवर्स वर्कड। जो आपका मैनेजर रहेगा, जो आपका मैनेजर रहेगा वो बोलेगा कि आई एम कंसर्न ओनली विद द वर्कड, फॉर दिस मेनी आवर्स माई वर्कर वॉज रेडी टू वर्क बट देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, फॉर दिस मेनी आवर्स माई वर्कर वॉज रेडी टू वर्क देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो ये करेंगे, तो अब आप यहाँ आ जाइए, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, ये आपका सेम रहेगा, इसमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपका चेंज होके ये आ गया। अब आपको ये आर्स लेने 11270, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हाँ एक्चुअल आर्स। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा आपका, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपको लेने पड़ेंगे चेंज करके, ये आपको लेने पड़ेंगे चेंज करके, ओके। ये आपके चेंज करके लेने पड़ेंगे आपको, ये आपको चेंज करके लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ये आपके सेम रहेंगे क्योंकि आपके एक्चुअल आर्स जो पेड है वो तो सेम ही है ना, एक्चुअल आर्स आपके पेड है वो यही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। ये आपका सेम रहेगा 1, 2 एंड 3। एबनॉर्मल आइडल टाइम में क्या आ जाएगा, 230, 350, 560, रेट आपका आ जाएगा 5, 3 एंड 2, इट मीन्स 230 into 5, 1150। ये आपका सेम रहेगा, कॉस्ट वेरियंस आपका यहीं से आ जाएगा 145, 164, 600, ओके। देन 350 into 3 हो जाएगा इज 1050, 560 into 2 हो जाएगा इज 1120। ये एडवर्स ही रहेंगे तीनों, इट मींस
1150 प्लस 1050 प्लस 1120 इज 3320 एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक्चुअल आवर्स पेड वर्क डे 11270 एंड 27440, इट मींस 10,000 माइनस 11270 इनटू 5 6350 एडवर्स, 15,000 माइनस 17150 इंटू 3 6450 एडवर्स, 25 माइनस 27440 इंटू 2 4880 एडवर्स, 6350 एडवर्स, 6450 एडवर्स, 4880 एडवर्स, 17680 एडवर्स, प्लस 3320 एडवर्स, माइनस 1400 इज 19600। सही है, सुनो, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स तो अपने सेम ही रहेंगे, एक्चुअल आवर्स जो नए वाले हैं वो ले लेंगे, एबनॉर्मल आइडल टाइम में ये ले लेंगे। अब आप आ जाइए, हाँ ये आपका सेम रहेगा, इसमें देर इज नो चेंज, ओके, ये भी आपका सेम रहेगा, यहाँ पे आपका चेंज आ जाएगा, राइट, ये आपका इट मीन्स लेबर एफिशिएंसी में 17680 एडवर्स, बराबर। अब आपके एक्चुअल आर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, इट मीन्स एक्चुअल आर्स आपके चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एक्चुअल आर्स आपके ये आ जाएंगे 11270 into 5 is 490 adverse, 16758 minus 17150 into 3 is 1176 adverse, 27930, 27440 into 2 is 980. This is favorable. So 490 adverse, 1176 minus 980 is 686. Six eighty six adverse and 16994. Yeah, perfectly clear or not? बताइए आप, और मैं तो आपको करा दूंगा एक सम प्रैक्टिस करके ना, यहां तक बताइए आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ये परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए फ्रेंड्स। और मैं आपको एक प्रैक्टिस करा देता हूँ, क्योंकि ये लेवर का थोड़ा आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा करके ना। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 पेज नंबर 11.24, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 11.24, पेज नंबर 11.24। ए गैंग ऑफ वर्कर्स नॉर्मली कंसिस्ट 25 मैन 15 वुमेन एंड 10 बॉयज। एक गैंग में, एक मिक्स में आपके पास क्या है, 35 मैन है, 15 वुमेन है, 10 बॉयज हैं। दे आर पेड एट द स्टैंडर्ड आर्ली रेट ऑफ 0.8, 0.6, 0.4। इन ए नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ड्यूरिंग द वीक एंडेड 31 दिसंबर 2003, द गैंग कंसिस्टेड 34 मैन, 12 वुमेन एंड 9 बॉयज। द एक्चुअल वेजेस पेड इज 0.7, 0.65 एंड 0.3 रेस्पेक्टिवली। इन ए वीक ऑफ 4 आवर्स वर लॉस ड्यू टू द एबनॉर्मल आइडल टाइम एंड 1900 यूनिट्स पर प्रोड्यूस। यू आर रिक्वायर टू असेट इन ऑल द लेबर कॉस्ट वेरियंस। मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड। बोलिए मेरे साथ, कमेंट में लिखिए आप, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। योर मटेरियल लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। इट मीन्स योर, दिस इज नोट नंबर 1, इज स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मैन वुमेन एंड बॉयज, मैन वुमेन एंड बॉयज। इट मीन्स 35 मैन, 15 वुमेन, 10 बॉयज। 35 मैन, 15 वुमेन एंड 10 बॉयज, इफ दे आर वर्किंग फॉर 40 आवर्स, दे आर वर्किंग फॉर 40 आवर्स, तो अपने पास कितने आवर्स हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये टोटल आवर्स। इट मीन्स इन ए नॉर्मल वीक वर्किंग 40 आवर्स, ओके। इट मीन्स 35 × 40 इज 1400, 15 × 40 is 600, 10 × 40 is 400. This is your total hours. In this, they can produce 2000 units. In this, they can produce 2000 units. Okay. But your actual production is, 1900 units. Your actual production is 1900. It means 1400 divided by 2000 into 1900 is 1330 hours. Then 600 divided by 2000 into 1900 is 570 hours. Then 400, 2000 into 1900 is 380 hours. इट मीन्स स्टैंडर्ड, नोट नंबर 1, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मैन वुमेन एंड बॉय 35, 15 एंड 10 इंटू 40 आर्स, टोटल आपके आर्स हो जाएंगे ये, ओके, आउट ऑफ दिस 2000। तो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन ये, तो आपका प्रोडक्शन एक्चुअल, आपका टाइम क्या लगना चाहिए, आपको टाइम लगना चाहिए 1330, 570 and 380, 1330, 570 स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सही है सुनो फ्रेंड्स, ए गैंग ऑफ वर्कर्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 35 मैन, 15 वुमेन एंड 10 बॉयज। दे आर पेड एट द रेट ऑफ स्टैंडर्ड आर्ली मैन 0.8, वुमेन 0.6 एंड बॉयज 0.4। इन नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स, The gang is expected to produce 2000 units. It means
अगर ये गैंग है, अगर आपके पास ये गैंग है और ये इतने घंटे काम करता है, तो दे कैन प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट, बट वी वॉन्टेड टू प्रोड्यूस ओनली 1900, तो कितना टाइम लगेगा? ये आपको टाइम लग जाएगा, सही आंसर ना फ्रेंड, 2000। ड्यूरिंग द वीक एंडेड 31 दिसंबर 2003, ड्यूरिंग द वीक एंडेड 31 दिसंबर 2003, द गैंग कंसिस्टेड 34 मैन, 12 वुमेन, 9 बॉयज, द एक्चुअल वेजेस पेड इज 0.7, 0.65 एंड 0.3 रेस्पेक्टिवली। इन ए वीक 4 आवर्स वर लॉस्ट ड्यू टू द एबनॉर्मल आइडल टाइम एंड 1900 यूनिट्स वर प्रोड्यूस। इसका मतलब 40 आवर्स हम लोगों ने पे किया है, लेकिन वर्कर ने एक्चुअली काम कितना किया है? ओनली 36। वर्कर ने एक्चुअली काम कितना किया है? ओनली 36। 4 आवर्स उसने क्या कर दिए? 4 आवर्स ने क्या कर दिए? लॉस्ट कर दिए। ठीक है, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, मैन वुमेन बॉयज टोटल, मैन वुमेन बॉयज एंड टोटल 35, 15 एंड 10, ये आपके स्टैंडर्ड थे। एक्चुअल में आपके 34, 12 एंड 9, 34, 12 एंड 9 इंटू 40 आवर्स। एक वीक पे हमने कितना पे किया है? एक वीक में हमने कितना पे किया है? 40 आवर्स। दिस इज आपके हो गए आवर्स पेड। देन एबनॉर्मल आइडल टाइम 34 इंटू 4 आवर्स, 12 इंटू 4 आवर्स और 9 इंटू 4 आवर्स, इट मीन्स 34 इंटू 40 आपने पे किया 1360 और उसने काम किया, दिस इज एक्चुअली आवर्स वर्कड। देन 34 into 4, 1360, 34 into 4, 136, 136 minus 136, then 12 into 40, 480 minus 48, 432, 9 into 40, 360, 36, 360 minus 36, 324, 1360, 480, 360, 2200, 136, 48, 36, 220, 2200, 220 is 1980, सही आंसर। 1, 2, 2, 4, 432, 320, ये आपके एक्चुअल आवर्स वर्क हुए। अपने को मेनली कंसर्न पे इतना करना है, ये बेकार चला गया टाइम, और ये एक्चुअली वर्कड हुआ है। ये आपका क्या हुआ है? एक्चुअली वर्कड हुआ है टाइम, जैसे जो एक्चुअली वर्कड आवर्स है, सही है। सुनो, स्टेप नंबर 1 टेबुलर फॉर्म और स्टेप नंबर 2 एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। 11.25 पे सॉल्यूशन कंटिन्यू चल रहा है आपका, सही है। सुनो, अब आपका आ जाइए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इज ए लेबर लेबर वेरियंस बेस्ड ऑन
एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 1900 यूनिट्स, इट मीन्स स्टैंडर्ड एक्चुअल मैन वुमेन बॉय आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट अमाउंट सही है सर स्टैंडर्ड आर्स 1330 570 380 एक्चुअल आर्स 1360 देखो जरा 1360 480 360 480 into what is the rate per hour? Rate per hour is 0.8, 0.6, 0.4 rate is 0.7, 0.65 and 0.30 it means 1330 570 380 is 2280 1360 480 and 360 is 2200 1330 into 0.8 is 1064 570 into 0.6 is 342 380 into 0.4 is 152 1064 342 152 is 1558 Then 1360 into 0.7 is 952. Then 480 into 0.65 is 312. And then 360 into 0.3 is 108. It means 952 plus 312 plus 108. Say yes, my friends. क्या कॉस्ट आपने सोचा था ये क्या कॉस्ट लग गया ये और इसके अंदर देर इज ए एबनॉर्मल एडल टाइम ऑल्सो 220 आवर्स एबनॉर्मल एडल और एक्चुअली उसने वर्क किया है इट मींस 2200 माइनस 220 इज 1980 सही है सर फर्स्ट इज ए स्टेप नंबर टू लेबर कॉस्ट वेरियंस स्टेप नंबर टू इज व्हाट इज ए लेबर कॉस्ट वेरियंस 1558 1558 उसकी जगह हमें कितना लगा 1372 1558 less 1372 186 labor efficiency variance labor आइडियल टाइम वेरियंस लेबर रेट वेरियंस लेबर एफिशिएंसी लेबर आइडियल टाइम और लेबर रेट इट मींस
स्टैंडर्ड आर्स हमारे पास थे 1330, 570 एंड 380, 1330, 570, 380, मैन, वुमेन एंड बॉयज। लेकिन एक्चुअली वर्क हुए हैं इस 1224 432, 1224 432 324 into what is the standard rate, 0.8, 0.6 and 0.4. अब एबनॉर्मल आइडल टाइम 136 48 36 स्टैंडर्ड रेट इज 0.8, 0.6, 0.4 136 into 0.8 is 108.8 adverse, 48 into 0.6 is 28.8 adverse, and then 36 into 14.4 adverse. It means 108.8, 28.8, and 14.4 is 152 adverse. Okay, this is 1330 minus 1224 in 2.8 is 84.8 favorable. Then 570 minus 570 minus 432 into 0.6 is 82.8 favorable. 380 minus 324 into 0.4, 22.4 favorable. Then 84.8, 82.8, 22.4 is 190 favorable. 152 आपका क्या था एडवर्स, सही है? Then men, women and boys, men, women and boys क्या है, 1330 570 1330 570 380, डिवाइडेड बाय 2280, डिवाइडेड बाय 2280 and actual hours work is 1980 into 1980. It means 1330 divided by 2280 into 1980 is 1155 570 divided by 2280 into 1980 is 495. divided by 2280 into 1980
इज 330। And actual hours is 1224 432 and 324 into standard rate 0.8, 0.6, 0.4 1155 minus 1224 into 0.8 55.2 hours then 495 minus 432 into 0.6 37.8 favorable. Favorable 330 minus 324 into 0.4 is 2.4 favorable. 55.2 adverse minus 37.8 minus 2.4 15 adverse. मिला के टोटल मिला के आपका आ जाएगा 15 adverse, ये सब का टोटल राइट। सो 190 favorable minus 152 adverse minus 15 adverse 190 favorable सॉरी ये गलत हो गया, ये तो मिक्स वेरियंस निकाल दिया अपन ने। लेबर गेंग और मिक्स वेरियंस निकाल दिया 15 एडवर्स। अपने को रेट निकालना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया ना अपना आइडियल टाइम का। आप रेट भी यही निकाल देता हूं, लेबर रेट वेरियंस। लेबर रेट वेरियंस क्या रेट 0.8, 0.6, 0.4 एक्चुअल इज 0.7, 0.65, 0.3 इंटू एक्चुअल आर्स पेड। पेड किया है अपन ने 1360 480 and 360। ये अपन ने मिक्स पहले कैलकुलेट कर दिया था बाय मिस्टेक, ठीक है। इट मींस रेट वेरिएंस क्या आ जाएगा आपका, रेट वेरिएंस इज 0.8 minus 0.7 इंटू 1360 136 फेवरेबल 0.6 minus 0.65 इंटू 480 is 24 adverse and then 0.4 minus 0.3 into 360 is 36 favorable 136 favorable 36 favorable 24 adverse 148 favorable। बोलो यस सुनो, परफेक्ट। रेट एंड आपका 190 एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम आपका था, एबनॉर्मल आइडल था अपना 152 एडवर्स और फेवरेबल है 1 and 2 190 favorable 148 favorable minus 152 186 आपका। अब रेट की जगह आपका क्या आ जाएगा, यहाँ एफिशिएंसी को 2 में डिवाइड कर दो, सब एफिशिएंसी एंड मिक्स
ये आपका आ जाएगा लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है 2280 माइनस 1980 ये हमेशा क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ इनपुट इट मीन्स इन टर्म्स ऑफ आवर्स ओके देन कॉस्ट 1558 डिवाइडेड बाई 2280 माइनस 1980 इंटू 1558 डिवाइडेड बाई 2280 इज 205 फेब्रुअरी स्टैंडर्ड आवर्स अपने थे टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे 2280 एक्चुअली हमने वर्कड किया है 1980 पे किया है ज्यादा लेकिन वर्कड किया है एंड स्टैंडर्ड एवरेज रेट देन लेबर यील्ड वेरियंस लेबर यील्ड वेरियंस राइट यील्ड में क्या था आर्स आउटपुट 2280 से आउटपुट 1900 अगर 1980 डालेंगे तो 1900 डिवाइडेड बाई 2280 मल्टीप्लाई बाई 1980 1650 माइनस 1900 माइनस 1900 250 यूनिट ज़्यादा बनी 1558 डिवाइडेड बाई 1900 यूनिट्स इट मीन्स 1558 डिवाइडेड बाई 1900 यूनिट्स इंटू 250 विल बी 205 दिस योर स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट ऑफ आउटपुट जो मटेरियल में था वही है स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल मिक्स इंटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ आउटपुट फॉर यूनिट इंटू स्टैंडर्ड ये आपका तो 205 और 15 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस एफिशिएंसी अपना 190 फेवरेबल था ना तो 205 फेवरेबल और ये 15 आपका एडवर्स 15 एडवर्स 205 माइनस 15 एडवर्स इज 190 आपका एफिशिएंसी वेरिएंस तो मैक्स टू मैक्स आपसे लेबर में क्या क्या पूछ सकता है दिस इज योर लेबर कॉस्ट डिवाइडेड टू योर लेबर एफिशिएंसी योर लेबर आइडियल टाइम ठीक है लेबर रेट एफिशिएंसी डिवाइडेड टू सब एफिशिएंसी लेबर यील्ड और ये लेबर मिक्स और लेबर गैंग ये और ये हमेशा दोनों सेम रहेंगे ये 1 2 सेम रहेंगे ये प्लस ये मिलके ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा सो दैट इज द एंड ऑफ योर लेबर वाला पार्ट ओके मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट आपको एक वेरिएबल ओवरहेड और कराता हूँ ओके उसके बाद आपका एक पार्ट खत्म उसके बाद फिर देन वी विल गो टू फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस सही है सर ऑलराइट